अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं लीनिंग मॉस्क ऑफ कतर एंड वहां पर एक म्यूजियम है, इंशाल्लाह विल ट्राई टू कवर अप दैट वन। और आगे देखते हैं कहां कहां जाएंगे, वो भी सब कवर अप करेंगे। बट पहले आपको लीनिंग मॉस्क ऑफ कतर जस्ट लाइक लीनिंग टावर ऑफ पीसा करेंगे, आपको शो करेंगे और जगह भी दिखाएंगे। और प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू। और सब लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर देना यार वीडियो, हमको भी सपोर्ट मिलता है इससे और हम भी थोड़ा मोटिवेटेड होते हैं कि हम लोग और ब्लॉग बनाकर डालें और अच्छा करें। तो फिर चलते हैं लीनिंग टावर ऑफ लीनिंग मॉस्क ऑफ लेट्स गो। तो ये है अहमद बिन अली स्टेडियम, यहाँ पर भी फीफा वर्ल्ड कप के और मैचेस हुए थे। हमने ऑलमोस्ट अब तक कतर में सारे स्टेडियम देख लिए जहाँ पे हम फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस हुए थे। तो अभी हम आ चुके हैं शेख फैसल बिन थानी म्यूजियम और लीनिंग मॉस्क ऑफ कतर। बीच में यहाँ पर इन्होंने ग्रीनरी इतनी दे रखी है, दैट्स अमेजिंग। सही में इतना वेल मेंटेन्ड डेजर्ट के अंदर ये ग्रीनरी एरिया, आप देख सकते हो वहाँ पानी डल रहा है और किसी हल्द्वानी वगैरह के रोड पर हो, पंजाब। हाँ पंजाब, प्रॉपर पंजाब, सरसों का खेत। पहले तो आप ये देखिए, ये है मॉस्क ऑफ कतर, ये मीनार है लीन करती हुई। लीनिंग मॉस्क ऑफ कतर, लीनिंग मिनारात। हिरन है या ऑरिक्स है? नहीं हिरन, हिरन हिरन है, ऑरिक्स नहीं। सलमान भाई, तो ये है कतर का नेशनल एनिमल, ऑरिक्स को ऑरिक्स कहते हैं। तो अभी हम शेख फैसल बिन अल थानी म्यूजियम से निकले हैं। इनसाइड प्रॉपर्टी अलाउड नहीं था शूट करना, क्योंकि इट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द मैनेजमेंट। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो हम डायरेक्ट शूट नहीं कर सकते। हमने बाहर से जितना शूट किया हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, बट अंदर से भी बहुत अच्छा था और बाहर से भी बहुत अच्छा था और बहुत प्यारा, बहुत बड़ा था। और लीनिंग मॉस्क हमने कवर किया, बाहर का पार्क यहाँ पर था वो कवर अप करा। इट फील्स लाइक यू आर इन इंडिया और पंजाब। इसके अंदर इनके सारे पुराने वेपनरी वगैरह ये सारी चीज़ें थी, क्लोथिंग वगैरह जो पहले कतर में चल रहा था। प्राइवेट प्रॉपर्टी इस चक्कर में अंदर अलाउ नहीं था रिकॉर्ड करना, था नहीं कर पाए, पर हमें अच्छा लगा, अच्छा लगा, बढ़िया था। तो अभी हम लोग चलते हैं घर और उसके बाद आपको दिख जाएगा। अभी हम जाते हैं जो म्यूजियम नेशनल म्यूजियम है उसके पीछे एक पार्क है मियां पार्क, वहां जाएंगे और शूट करेंगे। तो चलते हैं। तो वेयर आर यू फ्रॉम? टूर्स। टूर्स इंडोनेशिया। तो
20 मिनट की दूरी पे एक आइलैंड है, वहाँ पर रिजॉर्ट है अंतारा। ये बोट्स बनाना आइलैंड को उस रिजॉर्ट पे जाती है। लास्ट टाइम मैं आया था ना, मैं चप्पल उतार के बैठ गया था पानी के अंदर। मैं अभी गर्मी हो रही थी तो मैंने कहा बेस्ट थिंग है कि आइसक्रीम खाओ और कूल हो जाओ, तो आइसक्रीम खाएंगे। और ये गरीसा आइसक्रीम है जो वर्ल्ड कप के इनॉग्रेशन के टाइम पे जो एक बच्चा था जिसके लेग्स नहीं थे उसका ब्रांड है आइसक्रीम। सो टुडे वी वेंट टू शेख फैसल बिन थानी म्यूजियम, जो कि हमने अंदर से कवर नहीं करा, बाहर से कवर करा। उसके बाद हम इस्लामिक आर्ट ऑफ म्यूजियम के पीछे गए, वहाँ पर मियाँ पार्क में, वहाँ पर वी हैड आइसक्रीम, वी एंजॉयड देयर, एंड देन वी केम बैक टू होम। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।